हैं, मुंह कुछ और कह रहा है, टाइटल कुछ और कह रहा है और सब्सक्राइबर्स कुछ और कह रहे हैं। जी हाँ, अब आपने सोचा होगा कि कौन किसके बारे में बात हो रही है। तो वन ओनली इंडिपेंडेंट जी, पता है झूठ की दीवानी भी आ चुकी हैं, पर इस समय ना भाई साहब जो ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा में है वो है हमारा जिज्जी, वादा खिलाफी जो करीन था है। खैर कोनो बात नहीं, सुबह सुबह भाई साहब बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई कि भाई वार्तालाप होगी बारी बारी से। जिज्जी का टाइटल जो कह रहा है, लेकिन पूरा वीडियो दर्शकों को ढिंढोल डालें, लेकिन कहीं उसके रिगार्डिंग कुछ दिखावे नहीं करा। का बात ऐसी है भाई साहब जो वो हमें ढूंढने पर भी नहीं मिल पाया, का है कहानी। चलो शुरू करते हैं अपने अंदाज में। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस रंगारंग कार्यक्रम में। और इस रंगारंग कार्यक्रम में जिज्जी का जो टाइटल है वो है सोलन से आ गए शिमला, आए हाय पूना से गई पटना, पटना से गई शिमला, शिमला से गई सोलन, सोलन से फिर शिमला, फिर भी न मिली बिमला। खैर कोनो बात नहीं, चलो शुरू करते हैं भाई साहब। तो भाई सोलन से शिमला आ गई और मन बहुत दुखी है। दीदी का बात कर रही हो, खैर पूरा टाइटल पढ़ लें फिर इस बारे में करेंगे वार्तालाप। और खुश भी, भगवान पर सब छोड़ दिया है अब, आए हाय वाह जिज्जी वाह, आपने क्या बोला है। वैसे जिज्जी का अगर मन दुखी था तो तन भी दुखी लगता है, पर हमें तो कतई कहीं पर जिज्जी का तन दुखी नजर नहीं आवा। मतलब तो पड़ा आप लोगों में से ये जो 11 मिनट समथिंग समथिंग सेकंड का वीडियो है, इसमें कहीं जिज्जी का मन तन कुछ भी दुखी नजर आवा हो तो कमेंट करके जरूर बताना, हमें तो कतई नहीं आया। तो यहाँ पर ये बात पूरे तरीके से क्लियर हो जा रही है कि जो टाइटल है भाई साहब, इस टाइटल में बिल्कुल नहीं है सच्चाई। जिज्जी ने तो यहाँ पर झूठी झूठी बातें हैं बताई है? कहाँ से दुखी, कौन दुखी, कैसा दुखी, आए हाय जिज्जी काहे बोल कर ऐसा कर देती हूँ हम लोगन का दुखी। खैर कोनो बात नहीं, तो जिज्जी का जो वीडियो है भाई सुबह सुबह गुड मॉर्निंग और लाल टी शर्ट के साथ शुरू होता है। जो थंबनेल लगा है एकदम रॉबचिक भाई साहब, जिज्जी एकदम तैयार हुई है, क्योंकि जिज्जी का एक दुखड़ा था, क्योंकि विगत दिनों से हम इतने दिन से आ चुके हैं यहाँ पर, जब देखो या तो चाय या तो दूसरों का, इनका रूम उनका रूम हमारा रूम बाकी का रूम सबका रूम, सब सफाई वफाई करने में हमारी जिज्जी तैयार नहीं हो पा रही थी विगत कई दिनों से। तो जिज्जी ने भाई ऐनक वैनक भी लगाया, थोड़ा चश्मा वश्मा पे चस्पा करके और थोड़ा सा डेनिम शर्ट पहन के भाई खूब अच्छे से फोटो शूट भी करा, फोटो भी एक लगी पूरी वीडियो में, क्योंकि भाई देखिए ज़्यादा फुटेज थी नहीं। तो जिज्जी ने कहा कि चलो ठीक है, हम इतने दिन से कोशिश कर रहे थे लेकिन हम वीडियो बना नहीं पा रहे थे। वैसे जिज्जी अब हमको आपसे थोड़ा कुछ पूछना है। अब यहाँ तो आपका घर गृहस्थी है नहीं, जैसे वहाँ तुम यू सेट कर रही हो, वो सेट कर रही हो, थोड़ा सा सफाई नामा कर रही हो, थोड़ा सा उधर क्लियर नामा कर रही हो, थोड़ा सा बॉन्ड बना रही हो, यहाँ तुम काहे में बिजी हो। चलो मान लेते हैं कि तुमने सुबह सुबह मम्मी के लिए चाय बना दी, सफाई उफाई मान लेते हैं, सफाई 1-1.5 घंटा इतने बड़े घर में 2 BHK में 1-1.5 घंटा बहुत बड़ी बात है, अच्छे से अच्छी करोगी तो भी 1 घंटे में आराम से चकाचक रूम दोनों साफ हो जाएंगे, सब कुछ किचन उचन मिला के। लेकिन चलो फिर भी हम दे देते हैं दीदी को 2 घंटा, तो बाकी जो 2 दिन से इनका 1.5 दिन या 2 दिन जो भी इनका गायब नामा होता है, ये कहाँ बिजी थी, हम वीडियो बना ही नहीं पा रहे, हम ये कर ही नहीं पा रहे हो। मतलब यहाँ पर भी रोना शुरू कर दिया, इससे दर्शकों पता ये चलता है कि भाई साहब इनका जो रोना है कतई बंद नहीं हो सकता। जब सारे लोग एक साथ थे तो भी ये बहुत दुखी थी, सांस लेने की फुर्सत नहीं, पैर धोने की फुर्सत नहीं, बाल में तेल लगाने कंघी करने की फुर्सत नहीं, शैम्पू करने की भी फुर्सत नहीं, नहाने की भी फुर्सत नहीं, जब अकेले ऊपर 2 BHK में, मतलब इनका जितना भी BHK है ऊपर वाला घर, वहाँ पर गए तो वहाँ घर गृहस्थी बसाने से फुर्सत नहीं, अब होटल में मतलब रेंटेड हाउस में गए तो वहाँ पर भी इनको टाइम नहीं। तो भाई साहब यू टाइम ससुर कनाती जात के धारा, यू कौन नासपीटा टाइम हमारी जिज्जी का ले रहा है, आप सबको पता है, पता होना तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हमें तो कतई पता नहीं चल पा रहा है कि वो टाइम किधर जाता है, कैसे जाता है, किसके पास जाता है। खैर कोनो
कोनो बात नहीं, अब जिज्जी हो सकता है कि भाई एक्स्ट्रा क्लासेस जो चल रही हैं आजकल, है ना, बिग बॉस आए हुए हैं नोना जिज्जा और हमारी भाई चाय की दीवानी, है ना, तो बैठे होंगे सब, एक्स्ट्रा क्लासेस चलती होंगी, टीका टिप्पणी होते होंगे, कैसे का कराना कैसे का नहीं करना, उन सब चीज़ों के बारे में मान लेते हैं वार्तालाप होती होगी। तो फिर यू रोना ना रो, कह दो कि हम यहाँ पर जैसे झूठ के दीवाने ने कल टाइटल डाला था कि रीज़न जिसकी वजह से हम सोलन आए, तो उन्होंने रीज़न भी बताया कि हम यहाँ घूम फिर तो बहुत चुके हैं 1.5 साल में, लेकिन अब हम यहाँ घूमने फिरने नहीं, हम यहाँ जीने आए हैं, क्योंकि जिज्जी इसके पहले जी नहीं रही थी, सोलन आए के जीना शुरू कर रही हैं। तो वैसे तुम भी बोल देते कि आजकल हम जी रहे हैं, अब वीडियो वीडियो तो बनाते रहते हैं, बाद में बना लेंगे, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा, उसका रोना जब रोती हो तो कतई रास नहीं आता, कहा कि भाई यू सब हमको पता है कि ये झूठ है। तो भाई पूरे कुनबावासी सब तैयार वैर होके पहुंच जाते हैं मंदिर में, भगवान जी की जय करते हैं, जय भोलेनाथ करते हैं, जितने भी भगवान होते हैं सबकी जय जयकार होती है, मतलब जनता जनार्दन यहाँ तुमसे कुछ और उम्मीद लगाए बैठी थी। जैसा कि आपके कागजी पति ने बताया कि भाई वो कल मिल नहीं पाया, अब आगे कब मिल पाएंगे, आप कब मिलाओगी, ये तो आप ही जानो है, अब आपके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि शायद जीजा जी की हेयरिंग कल है 11 तारीख को या फिर आज है, ये तो हमको कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ अब आपकी मर्जी कब मिलाओगी कब नहीं मिलाओगी। लेकिन जनता ने ना यहाँ क्लियरिटी के साथ कह दिया कि भाई आप बच्चे को उसके पापा से नहीं मिला रहे हो, दिस इज़ रॉन्ग यार, वो भी उसका बाप है, प्लीज़ उसको आप ना सब सेट कर लो और बच्चे से उसको मिला लो, बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करो, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये कोई हेटर्स नहीं है, ये इनके ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं जो कि बोल रहे हैं कि भाई साहब उसको अब मिला दीजिए, क्योंकि भाई जितना तुम्हारा बच्चा है, बच्चे के ऊपर जितना तुम्हारा अधिकार, उतना एक पिता का भी है, एक दादी का भी है, खैर दादी का अब ये देंगे कि नहीं, पर हाँ पिता को तो दे दीजिए, क्योंकि दादी के साथ इनकी जो डील सेट हुई थी कि तुम अपने बच्चे से हमको वाइफ कहलाओ, हम अपने बच्चे से तुमको दादी कहलाएंगे, वो डील पे कुछ काम हो ही नहीं पावा, अब इस पे जिज्जी कहाँ करेगी कहाँ नहीं करेगी ये तो हमको पता नहीं। लेकिन भाई जनता जनार्दन यहाँ पर यही बोल रही है। पर जिज्जे के टरू वाले यहाँ पर भी सफाईनामा देने आए, मतलब कतई ये लोग मानेंगे नहीं, यहाँ जनता जैसे जो जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं वो अभी भी एक आस लगाए कि काश कुछ ऐसा हो जाए तो भाई मतलब एक बच्चे के खातिर उनको दोनों पेरेंट्स का प्यार मिल सके, लेकिन टरू वाले नास पिटे, वो तो बोल रही है कि वो हार जाएगी, बट अब का बताएं, वो हारना नहीं चाहती, कुछ लोग तो बोलते हैं जाओगी तो तुम्हारी जान को खतरा है, कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल बचकानी हरकत ना करना, और इस समय तो झूठ की दीवानी है, नोना जिज्जा है तो कानून कोर्ट कचहरी देखिए मानना तो पड़ता ही है मजबूरी बस, तो अब हो सकता है कि वो कुछ ऐसा सॉलिड रीजन दें या फिर जो भी है उनकी कहानी, भाई ये तो वही जान सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो कोई मिस्टर इंडिया बैठा नहीं है जो गुप्त रूप से सारी जानकारी सुन रहा हो, मिस्टर इंडिया तो भाई इन्हीं के पास है, तो अब ये तो भाई हमारे जिज्जी लोग ही जाने। तो टरू वाला फिलहाल बोल रहे हैं कि वो तो बोल रही है कि वो घर जाना चाहती है, बट कागजी पति उसको घर ले जाने नहीं चाहता है ना, उसको बच्चा चाहिए ना वाइफ, आए हाय, मतलब टरू वालों नास पीटो, तुमको कितना समझाया है कि भाई तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ के लिए तुम्हारे घर परिवार के लिए कोई महिला अगर इस प्रकार की वार्तालाप इस प्रकार की लाइव इस प्रकार के गाली गलौज वाले चैनल से प्रसारण करावे, तो भाई साहब तुमका ऐसी महिला को एक्सेप्ट कर लोगे हैं, मतलब आ जाते हो। अरे जिज्जी को रिप्लाई करने दो, यहाँ पर जिज्जी से पूछा है इन्होंने, इन्होंने तुमसे नहीं पूछा है, और कुछ ऐसा लिखा भी नहीं जो तुम यहाँ पर इस प्रकार की बातें रख रही हो हैं, सेपरेट होकर भी वीक में एक दिन ना मिला सकते हो बाप से उसको, मिलवाओ, कोई थर्ड पार्टी है तो इन्वॉल्व करो दोनों फैमिलीज को मिलाने से, भाई इसमें थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कुछ काम ना कर पाएगी, यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी काम कर पाएगी और वो पार्टी है कुनबावासी के वन ओनली दो लेजेंड, हाँ लेजेंड ही हैं ये, पूछो क्यों, क्योंकि भाई इनके अनुसार ही वहाँ पर चीज़ें चलती हैं, इनके अनुसार ही चीज़ें रुकती हैं, तो बंटी और बबली अगर चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है, बंटी बबली नहीं चाहेंगे तो भाई साहब
कुछ नहीं हो सकता है। कैसा बाप है जो अभी अभी बना है वीडियो के लिए, जब भी वो छोटा था तब वो बाप कहाँ गया था। तो भी वो बाप कितनी बार बोला, शायद आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे तो जाके आप वो वीडियोस देखिए। तो भी वो बाप अपने बच्चे से मिलना चाहता था, लेकिन जब कोई मिलाने नहीं चाहता था, जब गली पे गुजरने पे भाई पुलिस वाले केस हो जाते हैं, तो आप बाप के ऊपर एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं, हैं? लगातार बाप की कमियां। मैं ये नहीं कह रही कि बाप एकदम कभी कोई गलती या करबा ही नहीं करा होगा, मैं बार बार कहती हूँ कि अगर कोई गलती ना करे तो वो परिपूर्ण है, भगवान का अवतार है, इंसान है ही नहीं, क्योंकि इंसान तो गलतियों का पुतला है। अब कुछ लोग तो भाई गलती पे गलती करे जा रहे हैं, लेकिन आज तक कहते हैं मेरी गलती क्या है, मेरी गलती क्या है, आज तक उनको अपनी गलती नहीं मिली। मतलब भाई साहब अब कैसे ढूंढेंगे, कहाँ कैसे कहाँ कहाँ चेक करेंगे, सीबीआई इनकी गलती ढूंढ के देगी तो भी ये नहीं मानने वाले। सीबीआई कहेंगे ना दोबारा जांच बैठाई जाए, मेरी कोई गलती नहीं है भाई साहब। तो कुल मिला के सब्सक्राइबर तो यही सारे बोल रहे हैं, और सब्सक्राइबर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जनता जनार्दन यही चाह रही थी कि भाई ये मिले कम से कम बच्चे को, और अगर हो सकता कुछ मैजिकल हो जाता है ना, कि उनके दिल में कुछ और चीज़ फीलिंग आ जाती कि हम अपने बच्चे को कैसे प्यार दुलार दें, कैसे कुछ लाइफ को आगे, हो सकता है अभी जो चीज़ें इतनी ज़्यादा बदल गई हैं आगे चल के कुछ बदलाव आता अगर वो अपने बच्चे से हर वीक मिल पाते। तुम्हें तो और मिलाना चाहिए अगर वाकई में तुम जाना चाहती हो, जानबूझ के तुम्हें मिलाना चाहिए, लेकिन भाई ये कहीं से नहीं दिख रहा है। भाई एक जनता जनार्दन ने कहा है, तुम्हारी बहन भी अभी तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड टाइटल डालकर कमा रही है और तुम कुछ भी नहीं बोलती, उसका कुछ कंटेंट नहीं है, ये तुम उसकी कंटेंट हो, तुम्हें कब समझ में आएगा। ये तो सबको पता है और जग जाहिर है कि किस प्रकार से हमारी बड़कन्नी जुज्जी ने वो जो रिप्लाई वाली सीरीज शुरू हुई थी ना दिवाली के आसपास, जो भैया बढ़िया वाला बोनस आया था, सबने लकालक चकाचक कमाया था, याद आया आपको? तो उस सीरीज से भाई जिज्जी ने कितना कमाया था, सबने भरपूर मात्रा में। इसमें भी आ गए लोग लड़ाई झगड़ा करने, पर एतिन प्लीज दुपट्टा को प्यार दो, बहुत अच्छी है वो, जो तुम्हारे साथ हुआ उसके साथ मत होने देना। लगातार बार बार लोगों को ये फील हो रहा है कि उसको कॉर्नर किया जा रहा है। परेतिन तुम ध्यान से सोचो, आपका जो बच्चा चाहता है, जो आपका भला चाहता है, वो आपके हस्बैंड से मिलवाने की कोशिश करेंगे, और जो दूर करना चाहता है आपकी, आप समझ रहे हो ना यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कौन एकदम जिद्दी है, कौन इस प्रकार की हद करता है, कौन तोड़ने की बात करता है, कौन भड़काता है, कौन लगातार बार बार इस प्रकार की बातें करता है। इन्होंने बहुत सही चीज़ें लिखी हैं, ना जाने कितने लोगों ने जिज्जी को समझाया है, बार बार समझाया, 100 बार समझाया, लेकिन कुछ भड़काने वाले लोग उनको फरिश्ते लगते हैं, कुछ ऐसे लोग जो जिंदगी में कहानी को उलट पुलट कर दिए हैं वो उनको अच्छे लगते हैं, क्यों? ये तो वही जान सकते हैं। और एलिगेशन किसके ऊपर लगता है? हमेशा उस बंदे के ऊपर कि भाई वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो ये चाहता है, वो उसने ये करा है, उसको करेक्टर से लेके उसके माँ बहन किसके किसके बारे में क्या बात नहीं करी गई, लेकिन वो चीज़ें कभी किसी को गलती नज़र नहीं आती हैं। आज भी उससे यही उम्मीद की जाती है कि लगातार अभी भी वो सारी गाले गलौज वाले चैनल वही लिख रहे हैं, वही बोल रहे हैं, वही लाइव कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें हो रही हैं। कभी भी कोई ये नहीं बोलता है कि आप वो बंद कराइए, वो गलत चीज़ है, नहीं बोलता है, कभी भी नहीं बोलता है, हैं? लेकिन यहाँ पर अगर गलती की बात आती है तो आदमी ऐसा चाहता है, आदमी तो ले जाना नहीं चाहता। अरे वजह वो आप सबको नहीं दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही है? जो जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं वो कोई भी गलत कर रहा होगा, चाहे वो परेतिन गलत कर रही हो या फिर उनके पति, वो तुरंत बोल देते हैं, क्यों? क्योंकि गलत राह पे चलाना, किसी को गलत सजेशन देना, भाई वो गलत चीज़ है। किसी ने लिखा है कि परेतिन तुम हमेशा गालियां खाने वाला काम क्यों करती हो, उसको और मौका मिल जाता है तुम्हें बुरा बनाने का। अब ये जानो कौन लिखा होगा, ये जिज्जी का टरू वाला इंसान है कि भाई तुम ऐसे गाली खाने वाले काम क्यों कर रही हो, और लोग फिर उसको और अच्छा बोलेंगे, उसको और अच्छा बनने का मौका मिल जाएगा।
टरू वाले भी कुछ ऐसे हैं जो इस तरीके से समझा रहे हैं कि ना तुम मिला देती, अपना पॉइंट क्लियर रखती, तो भाई बच्चे से तुम क्यों नहीं मिलवा रही हो? गिफ्ट तो लेने के लिए तुम चली गई थी गिफ्ट लेने देने के लिए। तो कुल मिला के यू आर सो क्रूअल। एक बार नहीं लग रहा है आपको कि बच्चे को बाप से मिला देना चाहिए? और किसी इंसान, कैसी इंसान हो आप, एक बात को याद रखना, ये ना इंसाफी आप उस बाप से कर रही हो, अपने बेटे से कर रही हो, जिसको एक दिन आप ज़्यादा याद करोगी, ज़रूर याद आएगी आपको। खून की बात करता है मैडम, खून 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 की बात करता है। तो जनता जनार्दन लगातार बार बार इनको यही बोल रही है, सारी जनता ने भर भर के इनको यही कमेंट किया है। हाँ, कुछ तोड़ो फोड़ो लोगों को छोड़ के, क्योंकि ज़्यादातर लोग यार जुड़ाने में वो बिलीव करते हैं, हैं कि भाई जुड़ जाए मैटर किसी का, अगर जुड़ने वाला है हैं तो जुड़ जाए, ना कि टूट जाए, ना कि आग लगा दो, ना कि उसमें चिंगारी लगा दो। लेकिन कुछ लोग हैं ना जो सिर्फ चिंगारी में ही बिलीव करते हैं, बाकी किसी चीज़ में नहीं। ऐसे आसपास लोग हैं, और जिज्जी, उनको लगता है कि वो जिज्जी की बस चंद तारीफ के शब्द बोल देते हैं, जिज्जी को चने के झाड़ पे झूठी तारीफों से चढ़ा देते हैं कि हाँ तुम सही हो। अरे गलत को गलत कहना सीखो, वो भी उचित शब्दों में। लेकिन नहीं, इससे वो जिज्जी को फरिश्ते नज़र आते हैं कि ऊपर वाले ने मेरे लिए फरिश्ते भेजे हैं ताकि वो मेरा प्यार, मेरे सपोर्ट, मुझे प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी ज़िंदगी आसान हो सके, इसलिए वो फरिश्ते आए। ना जी, वो फरिश्ते नहीं हैं। भले कोई कड़वा बोलता है, लेकिन अगर आपके भले के लिए बोलता है तो एक तरीके से ना आप उसको अपना भलाई करने वाला बोल सकते हो। हमेशा तोड़ने वाला ही होता, फरिश्ता तो कभी हो ही नहीं सकता। बाकी आप लोग समझदार हैं, और जो नहीं समझना चाहते हैं उनको क्या ही बोले। तो अब ये हियरिंग जो इनकी होने वाली है आज या कल में, जब भी है, तो उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भाई जब अपडेट आएंगी इनकी तब पता चल जाएगा। और उम्मीद यही करते हैं कि भाई कुछ सद्बुद्धि मिल जाए, क्योंकि इस दुनिया, इस गोले में सद्बुद्धि की ज़रूरत सबको होती है। लेकिन कुछ लोगों को तो लगता है हम तो सद्बुद्धि के भंडार हैं, हमारे हेटर्स को सद्बुद्धि दो, हमसे जो पसंद, हमको जो पसंद नहीं करते उनको सद्बुद्धि दो, सामने वाले को सद्बुद्धि दो। तो जिज्जी कुल मिला के भाई घूमने गई थी, और मम्मी जी भी गई थी, सारे लोग गए थे, बस नोना जिज्जा अभी भी, इस बार कहीं बग्गा को इसलिए तो नहीं लाया गया कि वो जानबूझ के नोना जिज्जा को दिखा देता है, इसलिए बड़कन्नी जिज्जी ने कह दिया कि नाश बेटे नोना, अब हम तुमको नहीं दिखाएंगे, लेकिन यूँ जब तक यूँ रहेगा बग्गा तब तक काम हो ना पाएगा, इसलिए ना इसको नहीं ले जाएंगे हैं। तो हो सकता है इसीलिए भाई बग्गे का इस बार पत्ता कट हो गया हो। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि हो सके तो भाई इंडिपेंडेंट जिज्जी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, और अपने बच्चे को पिताजी से उसके मिलने दीजिए। क्या पता भाई कुछ ऐसा भगवान, आप कहती हो ना कि कुछ मैजिकल होता है, मैजिक हो जाएगा तो हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होगा वैसा होगा, तो अगर वाकई में ये मैजिक हो जाएगा तो इस मैजिक से आपका कुछ भला हो जाएगा, अपने बारे में सोचेगा। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आए तो जाने से पहले एक लाइक करके जाइएगा।